हाय फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं ड्रीम इलेवन में फ़ुटबॉल की टीम देने जा रहा हूँ। जो आज का मैच ला लीगा का मैच है, जो रियल बेटिस बनाम गिरोना एफसी के बीच खेला जाएगा। मैं टीम एडिट कर चुकी हूँ फ्रेंड्स। रियल बेटिस पिछले 6 मैचों में 3 मैचों में ड्रॉ किया है और 3 मैचों में हार मिला है उनको, और गिरोना एफसी पिछले 6 मैचों में 5 मैचों में ड्रॉ किया और लास्ट मैच में हार गया था। तो ये मैच रियल बेटिस में हो रहा है, तो देख लेते हैं। गोलकीपर ऑप्शन में मैं राउ लोपेज को मेरे टीम को पिक किया हूँ। राउ लोपेज जो एक अच्छा गोलकीपर है, मैं उसके साथ गया हूँ फ्रेंड। काफ़ी अच्छा सीज़न चल रहा है उनका। तो आप चाहते हैं तो यासिन बनो को भी ले सकते हो, आपका चॉइस है, लेकिन मैं पाउ लोपेज के साथ जा रहा हूँ। डिफेंडर ऑप्शन में मैंने गिरोना एफसी को एक अच्छा डिफेंडर, काफ़ी अच्छा सीज़न चल रहा है उनका, बार्नार्डो एस्पिनोसा, उसको मेरा टीम में पिक किया हूँ। काफ़ी अच्छा डिफेंडर है फ्रेंड, काफ़ी अच्छा बॉल डिफेंड करता है और काफ़ी अच्छा ड्रीम इलेवन स्कोर भी देता है, तो उनको मैंने मेरा टीम में पिक किया हूँ। फिर आता हूँ रियल बेटिस का एक प्लेयर, डिफेंडर मार्क बाट्रा। मार्क बाट्रा जो एक अच्छा डिफेंडर है और अच्छा एसिस्ट भी कर लेता है ड्रीम इलेवन में, काफ़ी अच्छा पासिंग फुटबॉल खेलता है, तो उसके लिए पॉइंट भी मिलता है। तो बाट्रा एक अच्छा पिक हो सकता है ड्रीम इलेवन में आपका टीम में। फिर आता हूँ ऐसा मंडी। ऐसा मंडी जो रियल बेटिस का एक अच्छा और भी एक अच्छा डिफेंडर है, वो भी काफ़ी लाजवाब डिफेंडर है, इस सीज़न भी उनका अच्छा चल रहा है, तो पॉइंट भी अच्छा दे रहा है, तो मंडी को मेरे टीम में पिक किया हूँ। तो फ्रेंड्स, आप गिरोना एफसी के लिए जुआनपी के साथ भी जा सकते हो। जुआनपी अच्छा डिफेंडर है जो प्लेइंग इलेवन में शामिल है, या और भी एक अच्छा खिलाड़ी है गिरोना एफसी का जो पेड्रो पोड़ो, वो भी आज का मैच खेल रहा है, उसके साथ भी जा सकते हो, आपका चॉइस है फ्रेंड। मिडफील्डर ऑप्शन में मैंने बोर्जा गार्सिया को मेरे टीम में पिक किया हूँ। ओगी एक अच्छा डिफेंडर है और एक अच्छा मिडफील्डर है, अब काफ़ी अच्छा असिस्ट करता है, गोल दागने का क्षमता है उनमें, तो बोर्जा को मेरे टीम में पिक किया हूँ। काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, गोल दागने का क्षमता भी रखता है। फिर आता हूँ रियल बेटिस की तरफ, जियोवनी ले सेल्सो जो पिछले मैच में अच्छा खेला है और सीज़न उनका एकदम ठीक ठाक चल रहा है, ड्रीम इलेवन में काफ़ी सारा पॉइंट दे रहा है, तो लो सेल्सो को मेरे टीम में पिक किया हूँ। फिर आता हूँ गिरोना एफसी का पोर्तू। पोर्तू जो काफ़ी अच्छा खेल रहा है, पिछले मैच में तो गोल भी किया था, तो पोर्तू एक अच्छा खिलाड़ी है और एक अच्छा मिडफील्डर, और उसके ऊपर पूरा टीम का गोल देने का जिम्मेदारी भी है, और कोई गोल दे सकते हैं तो पोर्तू दे सकते हैं गिरोना एफसी का, और ड्रीम इलेवन में स्कोर भी दे सकते हैं आपका, तो पोर्तू को मेरे टीम में पिक किया हूँ फ्रेंड। सार्जियो कैनालेस जो और एक रियल बेटिस का एक मिडफील्डर सिर्फ नहीं है, वो अटैकिंग प्लेयर भी है, स्ट्राइकर है, गोल भी दाग लेता है और एसिस्ट भी कर लेता है, तो अच्छा पॉइंट मिलता है, तो सार्जियो कैनालेस को मेरे टीम में पिक किया हूँ। आप फ्रेंड जा सकते हो क्रिस्टियन टेलो के साथ जा सकते हो, जो रियल बेटिस के प्लेयर है, काफ़ी अच्छा प्लेयर है, उसके साथ जा सकते हो। स्ट्राइकर ऑप्शन में क्रिस्टियानी स्टुआनी आज का मैच नहीं खेल रहा है, तो उसके साथ ना जाओ। एंथोनी लोजानो जो गिरोना एफसी का एक अच्छा प्लेयर है, अच्छा स्ट्राइकर है, काफ़ी टाइम से खेल रहा है, तो उसके ऊपर मैं जिम्मेदारी दिया हूँ, मेरे टीम में पिक किया हूँ एंथोनी लोजानो को। फिर आता हूँ जोआकिन रोड्रिगेस जो एक अच्छा खिलाड़ी है रियल बेटिस का, तो आज का मैच वो खेलेगा, तो स्ट्राइकर ऑप्शन भी है, तो उनको मैं मेरे टीम में पिक किया हूँ। फिर आता हूँ एंटोनियो सनावेरिया सनावेरिया एंटोनियो सनावेरिया को मेरे टीम में पिक किया हूँ, वो काफ़ी अच्छा खेल रहा है, तो एक अच्छा स्ट्राइकर है, गोल देने का चांस भी उम्मीद है उन पे, तो
तो एंटोनियो सनाबेडिया को मेरे टीम में पिक किया हो। अगर क्रिस्टियन स्टुआनी खेलता है तो खेलता, अगर नहीं खेलेगा तो वो रिस्क की ऑप्शन है, खेलेगा तो मैं उनको ही लेता, लेकिन वो रिस्क की ऑप्शन है, प्लीज़ फ्रेंड मत लो उनको। तो देख लेते हैं मेरा कैप्टन और वाइस कैप्टन ऑप्शन। कैप्टन मैंने पोर्तू को रखा और सार्जियो कैनालस को वाइस कैप्टन रखा। आप चाहते हैं तो सेल्सो को भी वाइस कैप्टन रख सकते हैं, मैंने कैनालस को मेरा वाइस कैप्टन रखा। तो गोल दागने का उम्मीद ये दोनों प्लेयर पे ही है, जो ग्लेन एफसी पे गोल दागेगा तो पोर्तू ही देगा, चांस उनके ज़्यादा है, और रियल बेटिस का चांस सार्जियो कैनालस के हाथ में है, तो उन दोनों को ही मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन रखा हूँ। मैं एक सेव ऑप्शन है। तो देख लेते हैं मेरा आज का टीम का प्रीव्यू फ्रेंड। मैं इस टीम से आज खेल रहा हूँ स्मॉल लीग में, आप भी स्मॉल लीग में ही खेलो, मेरे टीम से खेलो, या मैं जो डेटा दिया हूँ उस पे साथ जाओ, खुद के ड्रीम इलेवन टीम भी बना सकते हो और मेरे टीम से खेल सकते हो। मैं अच्छा टीम देता हूँ और सेफ्टी इलेवन देता हूँ, तो मेरे टीम से भरोसा करके स्मॉल लीग खेलो और ज़्यादा से ज़्यादा वन करो। तो फ्रेंड कैसे लगा मेरा वीडियो, अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और आज के मैच के लिए कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं हर दिन ड्रीम इलेवन में क्रिकेट और फुटबॉल की टीम सिर्फ स्मॉल लीग का दे देता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हर दिन मेरा ड्रीम इलेवन टीम ले, और आज का मैच के लिए ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, और आज के लिए यह पारी, और आज का जो फुटबॉल मैच आएगी मैं कुछ ही देर में मेरे यूट्यूब चैनल में डाल दूंगा फ्रेंड्स, देख लेना, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड। तो आज के लिए यह पढ़ी, आज के मैच के लिए ऑल द बेस्ट फ्रेंड।